Hi guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. This is going to be a fresh update on current energy. इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है. ओके, आपको क्या करना है. जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, इस पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करना है. ओके, एंड मन में तीन बार इनका नाम आपको रिपीट करना है. महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. जिस इंसान के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या हैं. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में है थ्री ऑफ कप्स. नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. Then we have Six of Pentacles, the Chariot, Four of Cups. Okay, I think ये इनकी general energy है. A little bit more clarity we want. Their thoughts, feelings and emotions for you. Okay, ये दो cards हैं guys. This is Hierophant also. Hierophant के साथ में दोबारा से five number का card आपका आया है. Sword, Five of Swords. Four of Swords, Seven of Swords, and we have Ten of Pentacles. All right. Bottom of the deck आपका card निकल के आया है Four of Wands का. Overall ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी कंपनी या तो enjoy कर रहे हैं या आपसे मिलने के बारे में, आपके साथ reconnect या connect करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ किसी तरीके की emotional या physical intimacy को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं. राशियां यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी राशियां प्रेजेंट हैं. ओके, डू वी हैव वॉन्ड्स ओवर हियर? यस, वी डू हैव वॉन्ड्स आल्सो. सो ऑलमोस्ट सारी राशियां यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं किसी स्पेसिफिक राशि का नाम नहीं लूंगी. ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर और वर्गो और टॉरस राशि वाले लोग जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, मेंटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है. मे बी दिस पर्सन इज वेरी मच वरीड अबाउट द फ्यूचर, आने वाले कल के लिए ये बहुत ज्यादा परेशान है, या इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई पास का कोई कर्मा है जो रिटर्न बैक करके इनके पास में आने वाला है. कई लोगों के पर्सन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं. ये मैसेज सिर्फ आप इस मैसेज से तभी रेजोनेट कीजिएगा प्लीज गाइज, जब आपको कन्फर्म हो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. ओके, जबरदस्ती कोई डाउट अपने मन में नहीं लाना है. यहाँ पे ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली भी एनर्जी है, यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट वाली भी एनर्जी है, यहाँ पे जनरल क्रश की एनर्जी भी है, जनरल लाइफ सिचुएशन एनर्जी भी है. ओके, सो इसीलिए मैंने ज्यादा कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले और ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी. आप सिर्फ उतना ही पिक कीजिए जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है. ऑलराइट, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, कोई तीसरा इंसान आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी इनका जो फोकस है वो थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ है, या उस तरफ अपना कनेक्शन ये ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, या वहां पे कुछ एंजॉयमेंट चल रहा है, कुछ पार्टी चल रही है, ये किसी सेलिब्रेशन वगैरह के बारे में भी हो सकता है कि थॉट्स इनके मन में आ रहे हो. यहाँ पे मैरिज रिलेटेड मेमोरीज या स्पेसिफिकली मैरिज रिलेटेड थॉट भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के माइंड में आ रहा है. इस इंसान को किसी ने पेडेस्टल से नीचे उतार दिया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, या अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो थर्ड पर्सन इनको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, एंड अभी रिसेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ना पेडेस्टल से नीचे उतार दिया गया है, यानी कि जो जितनी वैल्यू इनको पहले मिल रही थी उतनी वैल्यू इनको अभी नहीं मिल रही है, और उस वजह से ये अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. देर इज ऑल्सो समबडी हु इज ट्राइंग टू ल्योर देम. इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इनको ल्योर करने की या इनको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है. ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है. ऑफकोर्स ये पेंटिकल्स हैं, तो यहाँ पर मनी का गिव एंड टेक भी होता हुआ मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है. ये इंसान एट प्रेजेंट किसी जर्नी पे जाने के बारे में हो सकता है कि सोच रहे हो, या कहीं से कुछ मूव करने के बारे में सोच रहे हो, या अपनी लाइफ की जो ये ऑनगोइंग सिचुएशन है इसको कैसे आगे बढ़ाना है इस बारे में हो सकता है कि इनके थॉट्स चल रहे हों.
आई कैन ऑल्सो सी कि ये व्यक्ति जो है इस समय पर इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इनके इर्द गिर्द हैं, इनके आसपास हैं, इनके एंजल्स ने इनको सराउंड किया हुआ है एंड इनके एंजल्स जो है वो एक तरीके से इनको अपलिफ्ट कर रहे हैं और इनको किसी डेंजर से, किसी हार्म से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस इनके माइंड में कुछ बातें पुट कर रहे हैं, कुछ चीजें इनके, कुछ थॉट्स इनके दिमाग में डाल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स से इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई कैन सी हियर कि आपके पर्सन अगर फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या पास्ट की मेमोरीज की वजह से अगर बहुत ज्यादा परेशान है, तो इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या इनके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो इनका जो वजन है उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगेन पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इनके ऑरा में इन्फ्यूज कर रहे हैं। ओके, दीज कैन ऑल्सो बी पिक्सीज। अगर आपके पर्सन जो है एनर्जी वर्कर हैं या किसी तरीके से किसी ऑकल्ट फील्ड में है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पिक्सीज इनके आसपास हैं एंड पिक्सीज आर ट्राइंग टू फिक्स देयर ऑरा। ओके, सो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ऑफकोर्स जो कि मैरिड हैं, ऑलरेडी इस बंधन में बंधे हुए हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ का कुछ अफेयर चल रहा है। कई लोगों के साथ में ये सिचुएशन है कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे अलग इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एक बेटा है या एक बेटी है या बच्चा इन्वॉल्व है आप लोगों के सिचुएशन में एंड सम हाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो। कई लोगों की ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है या ऐसा फील कर रहे हैं वो इस समय पर कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, या आपकी अगर फैमिली है, एक दूसरे के साथ में आप लोगों ने घर बसाया है अगर, तो उस घर के टूवर्ड्स उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें उन्हें निभाना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेंटली इस समय पर कुछ किसी बर्डन से गुजर रहे हैं या कुछ बर्डन है इनके ऊपर एंड देयर इज दिस मेमोरी। ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स की मेमोरी आ रही है और फोर ऑफ सॉर्ड्स की मेमोरी आ रही है, ये कुछ रीसेंट पास्ट हो सकता है गाइस, जहां पे या तो इस इंसान ने आपकी इंसल्ट करी है या किसी और ने इनकी इंसल्ट करी है और फिलहाल ये उस मोमेंट के बारे में या उस एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं सोच करके, या कुछ पुराना है, पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी है, पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है, ट्रॉमा है, जिसको कि ये इंसान अपने एनर्जी सिस्टम से रिलीज नहीं कर पाए हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड। इनको लगातार ये भय लगा रहता है, लगातार ये चिंता लगी रहती है कि दोबारा से इस तरीके की सिचुएशन जो है इनके साथ में फिर से लौट करके ना आए या फिर से ये सारी चीजें इनके साथ में रिपीट ना हो। आई कैन ऑल्सो सी कि ये इंसान जो है, हो सकता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, ये मैसेज उनके लिए है, थर्ड पार्टी और नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के लिए। आपके पर्सन आपसे कुछ बहुत जरूरी बात है जो छुपा रहे हैं इस समय पर एंड हो सकता है कि सही समय आने पर आपसे ये रिवील करें। ये बात घर वालों से जुड़ी हो सकती है, फैमिली से जुड़ी हो सकती है, ये बात आपके और इनके रिश्ते से जुड़ी हो सकती है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये कुछ ऐसी सच्चाई है जो ज्यादा टाइम तक हिडन नहीं रहेगी। सही समय आने पर इनकी जो एक ट्रुथ है वो निकल के सामने आने वाला है। कई लोगों के पर्सन यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इस समय पर अपना अपना ट्रू फेस जो है रिवील नहीं कर रहे हैं, या चेहरा अपना छुपा रहे हैं या गिल्ट में जा रहे हैं इस वजह से आपको फेस नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। सो गाइज, थोड़ी सी क्लैरिटी हम यहाँ पे और ले लेते हैं। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। सो आई हैव माई कार्ड्स विद मी नाउ, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी फॉर माई व्यूअर्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो लोग इस समय पर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। आस्क एंड रिसीव। ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। नेक्स्ट इज ईज एंड ग्रेस। ओके, थोड़ा सा मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। टू मोर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है या सेल्फ लव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है।
देन यू हैव कट द कॉर्ड्स. ओके, आपकी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो बहुत सारे अननेसेसरी जगहों पर कनेक्टेड हैं, अननेसेसरी सिचुएशंस से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं. आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो इस पुरानी पास्ट मेमोरी से जुड़ी हुई है, इनकी एनर्जी कॉर्ड उसको कट करने की, डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है. ये बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू आप ये एनर्जी कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मेंटली डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आप मेडिटेशंस के थ्रू कर सकते हो, रिचुअल्स के थ्रू कर सकते हो. बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है सरेंडर, एंड आई थिंक ये एनर्जी क्लेम करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, सरेंडर, दैट यू सरेंडर योर सेल्फ. आप अपने आप को डिवाइन को, ईश्वर को समर्पित करते हैं, इस सिचुएशन को, अपनी लाइफ सिचुएशन को भगवान को समर्पित करते हैं. आपके जीवन में जो भी होगा उसे संभालने वाले जो हैं वो ईश्वर ही हैं, और आपकी लाइफ का हर एक सेकंड, हर एक डिसीजन, हर एक मोड़ जो है वो उनके द्वारा ही डिसाइडेड है ऑलरेडी. सो यू कैन राइट दिस वर्ड इन द कमेंट्स टू क्लेम द एनर्जी. बाकी आप लोगों के लिए देखते हैं इन डेप्थ क्या मैसेजेस आ रहे हैं. पहला मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है आस्क एंड रिसीव. तो कहीं ना कहीं आपसे ना कहा जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं दैट दे वांट टू कनेक्ट विद यू, या वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें, प्रेयर के माध्यम से उनसे कनेक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे टच में आने की कोशिश करें. आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली कुछ सुधार आने वाला है. फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड इस डेक में जब निकल के आता है तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड है. ठीक है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो एनर्जी है वो हील हो रही है, एक हार्मनी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दो लोगों का जो ऑरा है एक दूसरे के टूवर्ड्स वो भी बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, थॉट्स बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी धीरे धीरे जो है वो फ्लो में आ रही है. कहीं अगर कुछ अटक गया है, कहीं कुछ रुक रहा है अगर आप लोगों की जर्नी में, तो वो ब्लॉक जो है अपने आप रिमूव होने वाला है विद ईज एंड ग्रेस समहाउ. तभी आपके लिए जो है कार्ड यहाँ पे मैसेज जो है सरेंडर का इसीलिए निकल के आया है. चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी. आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, आपको अपने आप को सरेंडरेंस में रखना है, आपको विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर. एंड आप जो कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी सच हो रहा है, वो चीजें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं. दूसरी जो इन दोनों कार्ड्स के साथ में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, ऐसा देखिए आपके पर्सन की एनर्जी भी कई जगह कनेक्टेड है, लेकिन आपकी एनर्जी भी है जो बहुत सारी जगहों पर कनेक्टेड है. आपको अपने भी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है, राइट? मेंटली आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे सिचुएशंस के बारे में, अपनी लाइफ के किसी में भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, किसी और सिचुएशन के बारे में बहुत ऑब्सेसिवली आप सोच रहे हैं. एंड इवन ऐसा हो सकता है कि दिन में आप एक्टिवली उस एक बात के बारे में ना सोच रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लीक हो रही है और आपका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है. उसको फिक्स करने की जरूरत है. मैक्सिमम लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है. समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अपने अंदर कोई खोट तो नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हो, कहीं आप लोग अपने आप को तो नहीं ब्लेम कर रहे हो अपनी सिचुएशन के लिए. अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं इस लायक ही नहीं हूं या मेरी इतनी वर्थ ही नहीं है, तो ऐसे थॉट्स को आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा. सेल्फ एक्सेप्टेंस का भाव अपने अंदर आपको जागृत करना है और अपने आप को उसी तरीके से अपनाना है जिस तरीके से आप किसी अपने बहुत अच्छे फ्रेंड को ट्रीट करते हो, अपने लवर को ट्रीट करते हो. वही प्यार, रिस्पेक्ट और वही एक्सेप्टेंस जो है वो आपको अपने आप को भी देनी है. इनफैक्ट सबसे पहले आपको खुद को देने की जरूरत है. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसी दूसरे इंसान को बना दिया है या फैमिली को बना दिया है, किसी और चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जितना कि देने की जरूरत नहीं है. सो थोड़ा सा अपने कॉर्ड्स को आपको डिस्कनेक्ट करना है. एंड गाइज, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू. ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है. मेंटली अपने आप को प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और ईश्वर को सरेंडर कीजिए. अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप गॉड से कन्वे कीजिए. जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए. मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.